टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में बड़ा उलटफेर, नामीबिया ने श्रीलंका को 55 रनों से हराकर चटाई धूल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ख्याति पुष्करना और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। टी20 विश्व कप 2022 का आगाज हो चुका है और इसके पहले ही मैच में बड़ा उलटफेर हो गया। नामीबिया ने श्रीलंका को रविवार को खेले गए मुकाबले में 55 रनों से हरा दिया। नामीबिया ने टॉस हराकर पहले बैटिंग करते हुए 164 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 108 रन ही बना सकी। नामीबिया के दिए लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत खराब रही। ओपनर प्रथम निशंका महत 9 रन बनाकर आउट हुए। कुशल मेंडिस 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। धनंजय डिसिल्वा 12 रन बनाकर आउट हुए। धनुष्का गुणथिलका खाता तक नहीं खोल सके। इसके बाद कप्तान दसंत शनका और भानुका राजपक्षे ने कुछ रन जोड़े। राजपक्षे 20 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शनका 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने 23 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके और 1 छक्का लगाया। वानिंदु हसरंगा 4 रन बनाकर आउट हुए। चमिका करुणारत्ने 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। प्रमोद मधुषण 0 पर आउट हुए, वह एक भी गेंद नहीं खेल पाए और रन आउट होकर चलते बने। अंत में महेश थिक्षणा 11 गेंदों में 11 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 1 छक्का भी लगाया, जबकि दुश्मन चमीरा 8 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह पूरी टीम 19 ओवरों में 108 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इससे पहले नामीबिया ने टॉस हराकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए। टीम के लिए जॉन फ्रीलिंग ने शानदार बैटिंग की। उन्होंने 28 गेंदों पर 44 रन बनाए। उनकी इस पारी में 4 चौके शामिल रहे। जेजे स्मिथ ने नाबाद 31 रन बनाए। स्मिथ ने 16 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके और 2 छक्के लगाए। कप्तान गेरार्ड इरास्मस ने 20 रनों का योगदान दिया। स्टीफन बार्ड ने 26 और लॉफ्टी ईटन ने 20 रन बनाए। तो आपका क्या विचार है इस पर हमें बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को। धन्यवाद।